यूं तो आपने काफी प्रेम कहानियां देखी होंगी जो लड़का लड़की के बीच होती है, लेकिन ये कहानी एक इंसान और एक मोमबत्ती के बीच की है। आइए चलते हैं उनके घर। अरे कहाँ रह गए भाई, चलिए। आइए चलते हैं ऐसे दिलदार इंसान की तरफ जो मोमबत्ती से इश्क लड़ाता है। अरे अरे दबा दो भाई। अरे भाई बिठाइएगा जी। अरे 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 कहीं बिठाइएगा जी। यहीं बैठिए। यहाँ बैठे हैं। अरे अपना घर है, बैठिए। जमीन पे बिठाते हो यार। बैठिए कैसे आज भाई, बैठिए। हाँ जी हाँ, तो ये मोमबत्ती से इश्क लड़ाने का सिलसिला कब शुरू हुआ? कहाँ से शुरुआत? वो कहते ना कि हर रिश्ते की शुरुआत एक नोक झोंक से होती है। मेरी भी कुछ ऐसे ही हुई। जब मैं उसे पहली बार मिला था तो एक पेस्ट्री पर ऐसे जमके बैठी हुई थी। उसकी लो लाइक मतलब उसमें कुछ अलग चमक थी। जब मैंने उसे देखा, जिद्दी बहुत थी। उसे बहुत लोगों ने बुझाने की कोशिश की लेकिन बुझ गई नहीं थी। और फिर एक रात जब चारों तरफ अंधेरा था, एक उजाला चमका। वो उस कैंडल का ही था। बस उसी पल से मुझे उससे प्यार हो गया। उस दिन कैंडलवती ने मुझे डरा ही दिया था, बहुत मजाकिया थी। लेकिन उसके कुछ साल बाद, माफ़ कीजिएगा, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती।